आज का सेशन अपन शुरू करते हैं और आज हम अध्याय 4 और अध्याय 5 को पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जिनको आवाज कम आ रही है शायद वो ईयरफोन यूज करें तो ठीक रहेगा, है ना। मैं भी थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करूं। तो अध्याय 4 पेज नंबर 26 और अनुभव दर्शन हम शुरू करते हैं। तो दो सूत्रों को अध्याय के शुरू में लिखा हुआ है, संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है और परिमार्जन पूर्वक ही पुनराभिव्यक्ति होती है ना। तो संस्कार पूर्वक यानी जब संस्कार स्थापित होता है तो मूल प्रवृत्तियां कौन क्या होती हैं, जो कि मूल क्योंकि सहस्तित्व है तो सहस्तित्व सहज प्रवृत्तियों का उदय होता है और परिमार्जन पूर्वक पुनराभिव्यक्ति होती है और इन्हीं का ही फिर जीने में और उनका गुणात्मक परिमार्जन होता है, गुणात्मक परिमार्जन होता है और उनकी दोबारा फिर उसके बाद अभिव्यक्ति होती है। तो क्योंकि परंपरा जो है वो हमेशा जो है नित्य नवीन होती रहती है तो उसकी बारंबार अभिव्यक्ति होती रहती है। अनुभूति योग्य अर्हता को उत्पन्न कर देना ही संस्कार है। तो संस्कार क्या है, जिससे अनुभूति योग्य अर्हता को उत्पन्न हो जाती है। तो संस्कार ग्रहण किया जाता है, कैसे ग्रहण किया जाता है, परंपरा पूर्वक जो है संस्कार जीवन में स्थापित होता है जिससे अनुभव करने की अर्हता स्थापित होती है। तो यहाँ पर अब हम आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 27। आधारहीन कल्पना ही स्वप्न है ना। तो ये समझ में आता है कि आधार जब तक नहीं रहता है या समझ का आधार नहीं रहता है तो जो कल्पना जो होती है, जो विचारों का स्वरूप बनता है, चित्रण बनते हैं, वो ही स्वप्न है। आगंतुक गुण ही कल्पना है। आगंतुक गुण का तात्पर्य मानवेतर प्रकृति के अनुसार जीने की कल्पना करना है। आगंतुक गुण मतलब जो कि मानव का अपना स्वभाव नहीं है, एक ट्रांजिएंट रूप में है, मतलब जो उसका एक तरीके से इम्पोजिशन है, उसके ऊपर आ जाता है पर वो उसी को ही स्वीकार नहीं होता है, है ना। जो अस्वीकृत गुण होता है मानव का वही आगंतुक गुण है। स्वभाव गुण या अर्जित गुण और आगंतुक गुण, ये गुण के दो भेद हैं। तो एक तो मानव का स्वभाव होगा, जो मानवीयता पूर्ण आचरण के अनुसार जो भाव होता है वो उसका अर्जित गुण है, मतलब वो क्योंकि वो नियति क्रम में अर्जित हुआ है। और आगंतुक गुण जो कि भ्रमवश शरीर स्वयं को जीव मानने के रूप में, जीव के अनुसार आचरण करने के रूप में जो आचरण है, जो गुण है, उसको आगंतुक गुण कहा है। आगे का है, शक्ति का नियोजन, उत्पादन, उपयोग, वितरण व सदुपयोग प्रसिद्ध है। तो ये इस प्रकार जो है जीवन शक्तियों का किस अर्थों में उपयोग करता है मानव, इस बारे में बात की गई है। तो मानव जो है इनका नियोजन करते हुए उत्पादन करता है, उपयोग वस्तुओं का करता है, वस्तुओं का वितरण करता है और उनका सदुपयोग भी करता है। आगे लिखा है, क्रियाकलाप में गुणों का आदान प्रदान, चैतन्य जीवन में स्वभाव मूल्यों का आदान प्रदान दृष्टव्य है। यहाँ पे पहले जो क्रियाकलाप लिखा है वो है उससे जड़ क्रियाकलाप आशय। तो जड़ क्रियाकलापों में गुणों का आदान प्रदान होता है। तो जैसे कोई गर्म वस्तु है उसके कांटेक्ट में आने पर दूसरी वस्तु भी गर्म हो जाती है ना। तो जबकि चैतन्य जीवन में स्वभाव मूल्यों का आदान प्रदान होता है, मतलब कि जब एक मानव जब आप हम पर दया करता है, कृपा करता है, तो हमें एक कृतज्ञता का भाव
स्वयं में पैदा होता है। तो इस प्रकार से उसमें चैतन्य जीवन में स्वभाव मूल्यों का आदान प्रदान दिखाई देता है और जड़ प्रकृति में गुणों का आदान प्रदान दिखाई देता है। चैतन्य की स्वभाव गति शक्तियों का इंद्र व्यू द्वारा प्रकटीकरण और उसकी गुणगत प्रक्रिया का संकेत ग्रहण पूर्वक समर्थन अथवा असमर्थन भी उसी से संपन्न होता है। तो चैतन्य की जो स्वभाव स्वभाव गति शक्तियां हैं, यानी जीवन की जो जीवन शक्तियां हैं, उसका 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 प्रकट होना वो इंद्रिय व्यू द्वारा यानी कि ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा होता है और उसका जो और उसमें जो संकेत ग्रहण क्रिया पूर्वक समर्थन और असमर्थन भी जीवन क्रिया के द्वारा ही होता है। तो जीवन में जो हम कल व्यंजना और व्यंजनीयता के बारे में चर्चा किए थे उसी से ही यहाँ पर आशय है कि जो जीवन जो है जो कुछ भी उसके सामने रहता है उसको वो स्वीकारता अस्वीकारता है। मानव में आगंतुक अथवा अर्जित स्वभाव या मौलिकता ही प्रत्यक्ष है। तो मतलब आगंतुक से आशय है जो भ्रम या उसका अपना नहीं है और अर्जित स्वभाव जो है जो कि उसकी मौलिकता है या फिर है ना धीरता वीरता उदारता के रूप में जो उसका अर्जित स्वभाव है इन दो रूप में वो मानव अपने आप को प्रकाशित करता है। चैतन्य इकाई स्वमूल्यांकन अनुसार ही पर मूल्यांकन करता है ना। तो जैसा जैसा जो है मानव अपने आप को स्वीकारता है ना, वैसा ही वो दूसरे को भी मूल्यांकन करता है ना। तो जैसे एक चोर को सभी चोर दिखते हैं है ना, और उसी तरह मानवीयता संपन्न व्यक्ति जो होता है वो सब में मानवीयता की अपेक्षा को देखता है ना। तो उसी तरीके से चैतन्य इकाई स्वमूल्यांकन अनुसार ही पर मूल्यांकन यानी दूसरे का मूल्यांकन करती है। मूल प्रवृत्तियों के मूल में स्वयं की मौलिकता का अस्तित्व रहता ही है ना। तो मूल प्रवृत्तियां जो है जो हम बात किए थे सहस्तित्व सहज प्रवृत्तियां जो संस्कार पूर्वक उदय होती हैं वो उसमें स्वयं की मौलिकता का भी अस्तित्व रहता ही है, उसमें स्वयं का भी स्वीकृति रहती है। तो हम कल इस बारे में बात किए थे कि बुद्धि जो है वो सत्य को सत्य की पहचान करने वाली जो इकाई है सत्य को जानने वाली जो इकाई है किसी चीज का होना है या नहीं है इस बात का अंतिम निर्णय जो है वो बुद्धि में हो रहा है। तो मूल प्रवृत्तियों के लिए स्वयं की मौलिकता का अस्तित्व रहता ही है इस बात की स्वीकृति जो है बुद्धि में रहती है और उसका प्रकाशन जो है प्रवृत्तियों के रूप में और क्रियाकलाप के रूप में स्पष्ट होता है। स्वभाव मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रत्यक्ष है। तो जो स्वभाव है वही वो प्रत्यक्ष किस रूप में होता है मूल प्रवृत्तियों के रूप में होता है ना। तो स्वभाव की स्वीकृति बुद्धि में रहेगी और वो प्रकाशित होगा मूल प्रवृत्तियों के रूप में और ये प्रवृत्तियां जो हैं वो हर्ष और क्लेश के सीमांतवर्ती है। मतलब कि भ्रम से लेके जागृति तक के रेंज में अगर देखें तो क्लेश की सीमा में जो जो कुछ भी होता है वो जीव चेतनावादी प्रवृत्तियां हैं और हर्ष की सीमा में जो प्रवृत्तियां हैं वो मानवीयता की सीमा में है। तो इसमें ये वाली ये एक बात हुई। तो स्वभाव और प्रवृत्ति की हम इसमें परिभाषा एक बार देख लेते हैं। स्वभाव है स्वयं की मौलिकता नियति क्रम प्रतिष्ठा अनुरूप मौलिकता है ना। तो स्वभाव जैसे ज्ञानावस्था की एक मौलिकता क्या होगी ज्ञानावस्था की नियति क्रम प्रतिष्ठा के अनुरूप मौलिकता जो उसकी है ना। तो मानव जो है जब अमानवीयता उसमें होती है तब वो अपने अनमानवीयता को स्वयं नकारता है ना। इसीलिए अमानवीयता को आगंतुक गुण कहा। मतलब कुछ कोई मानव जो अमानवीय कर्म भी कर देता है वो स्वयं उस बात को नकारता रहता है
है ना कि ये मैंने नहीं किया या मैं नहीं हूँ, मेरा वास्तव में ऐसा नहीं है, इस प्रकार से हर कोई इस तरह से बात करता है ना, तो क्योंकि वो उसको अमानवीयता स्वयं को ही स्वीकृत नहीं होती। प्रवृत्ति जो है परावर्तन के होने से पहले, परावर्तन होने के पहले जीवन में होने वाली आशा विचार इच्छा एवं संकल्पों की स्थिति। तो प्रवृत्ति जो है वो मैनिफेस्टेशन या फिर क्रियान्वयन के पहले की जो स्थिति जीवन में बनती है, यानी परावर्तन के होने से पहले। परावर्तन मतलब बाहर की ओर जो है प्रकट होने, है ना, उससे पहले जो जीवन में जो मानसिकता की स्थिति बनती है उसको प्रवृत्ति कहा गया है। ठीक है, तो अगला सूत्र है, जागृत मानव में मूल प्रवृत्तियों के मूल में स्वयं में मौलिकता स्वीकृत रहता ही है ना। ये बात हमने पहले की थी कि बुद्धि में बोध के रूप में स्वयं में मौलिकता स्वीकृत रहती है, वही मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रकाशित होती है। जागृत चैतन्य, मूल प्रवृत्तियां ही स्वभाव है ना, तो स्वभाव जो है वो संस्कार से बनता है, संस्कार से फिर मूल प्रवृत्तियों का जीने में प्रकाशन होता है, इस तरीके से इसको बैठाया जा सकता है। जागृत चैतन्य इकाई स्वयं में विश्वास पूर्वक मूल्यांकन करती है ना, तो स्व मूल्यांकन पूर्वक स्वयं में विश्वास होता है और स्वयं में विश्वास पूर्वक मूल्यांकन करना बन पाता है। जागृत स्वभाव समाधान पूर्ण मूल प्रवृत्तियों के रूप में प्रत्यक्ष है। ठीक है, ये बात ठीक हुई। भ्रमित जीवन में क्लेश और जागृत जीवन में हर्ष स्पष्ट है। ये लाइन अपने आप में स्पष्ट है। संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है, परिमार्जन पूर्वक ही पुनरभिव्यक्ति होती है। जो अध्याय के शुरू में बात किए थे कि मूल प्रवृत्तियों का उदय जो है संस्कार की स्थापना से होता है, जो कि जो ज्ञान की जो सूचना है उसके विश्लेषण पूर्वक निष्कर्ष निकाल के सच्चाई में तदाकार होने से अवधारणा बनती है, उससे संस्कार की स्थापना होती है, है ना। तो संस्कार पूर्वक फिर मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है, फिर परिमार्जन पूर्वक उसकी पुनरअभिव्यक्ति यानी दोबारा अभिव्यक्ति होती है। परिमार्जन कैसे होता है, उसको जीने में अभ्यास करने से उसका परिमार्जन होता है। मन वृत्ति चित्त और बुद्धि के क्रमानुवर्ती संवेगों के मूल में पाई जाने वाली इच्छाओं में अपेक्षाकृत तीव्र इच्छाएं अर्जित स्वभाव है। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि के क्रम वाले संवेगों के मूल में पाई जाने वाली इच्छाओं में जो अपेक्षाकृत तीव्र इच्छाएं हैं वो अर्जित स्वभाव। तो तीव्र इच्छाएं क्या हैं, जो कि क्रिया में परिवर्तित होती हैं, तो वही अर्जित स्वभाव है जो प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्म और कारण कोटि की इच्छाएं प्रच्छन्न रूप में अवस्थित रहती हैं। प्रच्छन्न मतलब जो कि एक कोई निश्चित आकार नहीं रहता है, काफी वो है ना सूक्ष्म रूप में या फिर बिखरे हुए रूप में अवस्थित रहती हैं। ये संस्कारों में पाया जाने वाला सूक्ष्म भाग है। संपूर्ण इच्छाएं संस्कारगत और व्यवहारगत रूप में स्थित हैं, जो प्रमाणित है। तो जो भी इच्छाएं हैं वो या तो संस्कार या स्वीकृति के रूप में होंगी या फिर प्रैक्टिस में आ चुकी होंगी, है ना। तो ये इस प्रकार व्यवहारगत मतलब जो जिनको हमने अभ्यास में ले चुके हैं, है ना? तो ये इस तरीके से इच्छा और क्रिया के संयुक्त रूप में कर्म होता है, और जो तीव्र इच्छाएं अपेक्षाकृत तीव्र इच्छाएं हैं उसी के द्वारा स्वभाव का प्रकट होता है, है ना। तो स्वभाव के मूल में संस्कारगत और व्यवहारगत रूप में इच्छाएं रहती हैं। तीव्र इच्छा को मनाकार और मन स्वस्थता का रूप प्रदान करने के लिए मानव इकाई तन मन धन का नियोजन करती है, है ना। तो जिस चीज के लिए तीव्र इच्छा बनती है वो तीव्र इच्छा दो ही प्रकार की चीज के लिए बनेगी, या तो मनाकार को साकार करने के लिए या मन स्वस्थता को प्रमाणित करने के लिए, और फिर उसके लिए
मतलब जिसके लिए तीव्र इच्छा बनती है उसके लिए मानव अपने तन मन धन का सदुपयोग करता ही है, नियोजन करता ही है। जैसे बाबा जी ने जब ज्ञान और जिज्ञासा के लिए है ना, उनकी जब तीव्र इच्छा बनी तभी उन्होंने ये निर्णय किया कि एक शरीर यात्रा को इसमें फेंका जाए, एक शरीर यात्रा को इसमें नियोजित झोंक दिया जाए। इसमें तो तन को उन्होंने नियोजित किया, मन को नियोजित किया, मतलब ध्यान लगाना किया, और धन को त्याग दिया है ना, धन को विरक्ति, धन के साथ विरक्ति हुआ है ना, धन को इसमें नियोजित नहीं किया, धन को त्याग दिया। अब जो हम जिस विधि से चल रहे हैं उसमें तन मन धन को लगाने का अर्थ जो है अपनी मानसिकता को, अपने शरीर को और अपने धन को सदुपयोग में लगाने के अर्थ में हम तन मन धन को का सदुपयोग करते हैं। यहाँ पर विरक्ति वाला डिजाइन नहीं है, है ना। संवेग तीव्र मंद और सूक्ष्म भेद में द्रष्टव्य है, जो कम से तीव्र इच्छा कारण और सूक्ष्म इच्छाओं पर आधारित है। इच्छा गति के बराबर संवेग है, मतलब इच्छा को क्रियान्वित करने के साथ संवेग कहलाता है, है ना। तो इसके बाद में आगे अगला सूत्र पढ़ते हैं। दर्शन बराबर आकांक्षा बराबर इच्छा बराबर संवेग बराबर प्रज्ञा गति बराबर ज्ञान विवेक व विज्ञान पूर्ण प्रमाण बराबर दर्शन। तो मैंने इस सूत्र को ऐसा बैठाया है कि जैसा मतलब बाबा जी इसमें अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि जहां से उन्होंने शुरू किया था है ना, उससे उनको उनको जैसा स्पष्ट हुआ है ना, वहां से उनकी आकांक्षा बनी कि ये उनकी ऐसी कामना बनी, आकांक्षा बनी कि ये धरती को कैसा होना चाहिए है ना, और उससे साथ में उनकी इच्छा बनी कि उसके लिए अपना संकल्प बना कि तीव्र इच्छा बनी कि ज्ञान को पाना चाहिए, और जिसको पिछले सूत्र में जो लिखा है कि मन स्वस्थता के लिए ये समाधि के लिए जो इच्छा बनी, तीव्र इच्छा बनी, और उसके लिए संवेग यानी उस इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए उनका कार्यक्रम बना। फिर ये प्रज्ञा गति है ना, और ये एक जगह पर आकर ये सफल होना जो है वो प्रज्ञा गति है, जो कि ना उनके साधना के सफल होने पर प्रज्ञा जागृत हुई। उसको प्रज्ञा को कहा है वस्तुगत सत्य वस्तु स्थिति सत्य के प्रति अवधारणा एवं स्थिति सत्य में ज्ञान है ना। तो ये इस प्रकार से उनकी प्रज्ञा गति बनी, और इसके बाद उन्होंने ज्ञान विवेक और विज्ञान का पूर्ण प्रमाण को प्रस्तुत किया, और उसी वो जो प्रमाण को प्रस्तुत किया उससे एक विकल्पात्मक दर्शन की प्रस्तुति की। तो ये मानव का उनकी एक पूरी यात्रा को एक प्रकार से वो सूत्रित करता है कि जहां से शुरू किया वहां से उनकी आकांक्षा का बनना, फिर उसके बाद में उनका एक इच्छा का बनना कि इसका ये जो है जिम्मेदारी का बनना, और साथ में उसको क्रियान्वित करने का संवेग, फिर उसके बाद में साधना का सफल होने के पूर्वक प्रज्ञा गति, और उसको फिर अपने जीने में प्रमाणित करना, फलस्वरूप दर्शन का तैयार होना। प्रवेश पूर्वक या पारदर्शकता पूर्वक स्थिति संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्रिया ही प्रज्ञा है, यानी कि प्रवेश पूर्वक मतलब कि आप किसी चीज को पेनिट्रेटिवली देख पाते हैं, यानी उसमें प्रवेश कर जाते हैं, पारदर्शक पारगामी के रूप में स्थिति ग्रहण करें, स्थिति संकेत ग्रहण, मतलब जो जो भी वस्तु है व्यक्ति है उसके बारे में उसकी स्थिति को ग्रहण करने के रूप में और प्रसारण करने की क्रिया ही प्रज्ञा है ना। तो प्रज्ञा जो है वो एक प्रकार से प्रखर बुद्धि की क्रिया है ना। अनुभव योग्य क्षमता की सत्ता में समाहित इकाई की पारदर्शकता है। तो अनुभव के योग्य क्षमता ही सत्ता में समाहित इकाई, इकाई से आश्रित जीवन है ना। तो यहाँ पर जीवन है,
की पारदर्शकता है, यही सर्वोच्च जागृति है। यानी अनुभव को ही सर्वोच्च जागृति कहा है, व्यापकता में अनुभव को सर्वोच्च जागृति कहा है। सत्ता में प्रकृति का संपृक्त रहना ही रहना प्रमाणित है। तो सत्ता में संपृक्त जो प्रकृति है वो कोई घटना नहीं होनी है, वो प्रमाणित है, मतलब वो निरंतरता के रूप में बना ही हुआ है। साथ ही सत्ता में इकाई का अनुभव पूर्ण होना भी प्रमाणित है, है ना। तो ये अपना उनका सत्यापन है कि सत्ता में इकाई का अनुभव पूर्ण होना ये भी प्रमाणित है, क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया है और ऐसा पाया गया है। पूर्णता के अर्थ में संकेत अनुसार वेग ही संवेग है, संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित रहती है ना। तो ये वाली बात ठीक हुई। ज्ञानावस्था की इकाई में किसी भी प्रकार के संस्कार से संस्कारित होने के पूर्व किसी न किसी पूर्व संस्कार की विद्यमानता स्वभाव के रूप में पाई जाती है, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि जो चैतन्य है, जीवन है, उसमें कोई भी नई बात की व्यंजना होने से, कोई भी नई बात स्वीकार होने से, उसके पहले उसमें कोई ना कोई स्वीकृति पहले के रूप में रहती ही है। और ये पूर्व संस्कार, अध्ययन और वातावरण अग्रिम संस्कारों की स्थापना के लिए अनिवार्य कारण है। तो जो वो पहले का जो संस्कार था उसके साथ में अध्ययन और वातावरण जुड़ता है, वो उससे अग्रिम संस्कार की स्थापना होती है। तो इस तरीके से संस्कार होने का ये क्रम चलता रहता है जब तक संस्कार पूर्ण नहीं हो जाता, और संस्कार पूर्ण होने की स्थिति जो है उस स्थिति को हम कह रहे हैं अनुभव। संस्कारगत स्वभाव दो श्रेणियों में गण्य है, मानवीयता पूर्ण और अति मानवीयता पूर्ण। तो दो इसका क्रम भी वैसा ही होगा, पहले मानवीयता का संस्कार बनेगा, फिर उसके बाद में जो देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष जागृति है वो अर्जित होगी। तो इस प्रकार से तीनों चेतनाओं का ज्ञान जो है वो अध्ययन और अभ्यास पूर्वक अर्जित होगा, तब जाकर वो अनुभव संपन्नता की स्थिति बनेगी। अनुभव संपन्नता के बाद में फिर प्रमाणित होने की क्रम बनेगा। प्रमाणित होने के क्रम में पहले मानवीयता का प्रमाण होगा, अनुभव मूलक विधि से ही मानवीयता का प्रमाण हो सकता है और किसी विधि से प्रमाण मानवीयता का नहीं होता। तो अनुभव से पहले जो समझते हैं तो अनुकरण विधि से हम जो है पहले मानवीयता का अध्ययन और अभ्यास करते हैं, फिर देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता के अर्थ में अध्ययन और अभ्यास करते हैं, जिससे अनुभव की अर्हता बनती है, एक प्रकार की श्रेष्ठता स्वयं में स्थापित होती है, वो श्रेष्ठता अनुभव के लिए पात्रता होती है और फलस्वरूप ज्ञान में अनुभव होने के बाद में अपना अधिकार बन जाता है, अपने अधिकार के साथ में फिर प्रमाणित करना बनता है, है ना। तो ये क्रम है जिसके बारे में स्पष्ट होना आवश्यक है, है ना। आवाज बहुत कम है, मैं शायद थोड़ा और तेज बोलता हूं। इसको पास कर लेते हैं। ओके। ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होने पर्यंत गुणात्मक संस्कार पूत होना आवश्यक है, यही अभ्यास पूर्वक अभ्युदय का प्रमाण है, है ना। तो इससे पहले की लाइन है, अमानवीयतावादी एक प्रवृत्ति है जो कि संस्कार नहीं है। तो प्रवृत्ति जो है वो आगंतुक गुणों के रूप में भी हो सकती है, है ना, जो कि मानव का स्वत्व नहीं है, और संस्कार जो है वो मूल प्रवृत्तियों के रूप में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि ब्रह्मानुभूति योग्य
क्षमता योग्यता और पात्रता से संपन्न होने पर्यंत मतलब होने तक गुणात्मक संस्कार पूत होना यानी संस्कारों से संपन्न होना आवश्यक है। तो इसमें ये वाली बात से इस वाले वाक्य से भी स्पष्ट हो रही है कि जीवन में एक क्षमता योग्यता पात्रता का अर्जन हो रहा है ना, उससे संपन्नता हो रही है, तब जाके उसमें ब्रह्मानुभूति, आत्मा में ब्रह्मानुभूति हो रही है ना, उससे पहले ब्रह्मानुभूति नहीं है ना, ये वाली बात को भी रखना आवश्यक है। तो यही अभ्यास पूर्वक अभ्युदय का प्रमाण है ना। तो अभ्यास पूर्वक यानी कि ये जो पूरा जो साधना है जो संस्कार पूत होने का, ये एक अभ्यास पूर्वक, फिर उसके बाद अभ्युदय का प्रमाण जो है यानी सर्वतोमुखी समाधान का प्रमाण जो है मानव प्रस्तुत करता है। समाज ही व्यक्ति के संस्कारों के परिमार्जन, परिवर्तन और प्रस्थापन का कारण है। अभ्युदयकारी अध्ययन व्यवस्था एवं तदनुसार आचरण ही समाज है। तो समाज जो है मतलब सारे मानव मिलकर जो एक मानसिकता और एक प्रकार की संस्कृति का जो गठन करते हैं उसको हम समाज कह रहे हैं। ये व्यक्ति के संस्कारों का परिमार्जन यानी उनके फर्दर रिफाइनमेंट, परिवर्तन मतलब जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन, और प्रस्थापन मतलब उनके अंदर कुछ चीज स्थापित करने के अर्थ में एक का कारण बनता है ना। तो समाज से ही मानव संस्कार को ग्रहण करता है और ठीक है इस बात को। तो समाज ही व्यवस्था एवं शिक्षा पूर्वक कृत्रिम वातावरण को उत्पन्न करता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यवस्था और शिक्षा के द्वारा एक मानवकृत वातावरण या कृत्रिम वातावरण बनता है जिसके द्वारा संस्कार को स्थापित किया जाता है ना। तो कृत्रिम वातावरण से ऐसा आशय नहीं है कि आर्टिफिशियल, इससे आशय है कि मानव के द्वारा कृत वातावरण। प्राकृतिक वातावरण के तुलना में मानवकृत वातावरण है ना, यानी जो जिसको पिछली लाइन में कृत्रिम वातावरण कहा है, प्राकृतिक वातावरण की तुलना में मानवकृत वातावरण संस्कार आरोपण क्रिया में विशिष्ट सशक्त कारण है ना। तो इसमें लिखा कि मानवकृत वातावरण तो मनुष्य प्रकृति के रूप में होगा है ना, नहीं सॉरी प्राकृतिक वातावरण, और मानवकृत वातावरण जो है वो शिक्षा और व्यवस्था के रूप में होगा। तो ये प्राकृतिक वातावरण तो मानव के प्रकटन में उपयोगी सहयोगी है ही, लेकिन उससे भी अधिक जो है जो मानव के लिए संस्कार आरोपण में सहायक है वो है मानवकृत वातावरण। तो मानवेतर सृष्टि की प्राकृतिक वातावरण संज्ञा है। मानवेतर प्रकृति का उत्पादन पूर्वक उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन पूर्वक पोषण जागृत मानव करता है ना। तो ये वाली इस बात स्पष्ट हुई कि उत्पादन पूर्वक उपयोग, सदुपयोग, पोषण और उसका पोषण जो है जागृत मानव जो है मानवेतर प्रकृति यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था की प्रकृति का उपयोग सदुपयोग करता है। वह उसको उत्पादन के निमित्त है ना, उत्पादन के निमित्त मतलब उत्पादन के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग करता है। तो ये सामान्य सी बात है। भ्रमित चैतन्य पक्ष द्वारा जड़ पक्ष में बलात् ग्रहण और इतर चैतन्य इकाइयों पर विचार पूर्वक आक्रमण या संक्रमण होता है। तो ये वाली बात भी हम देखते हैं कि जब अमानवीयतावादी या भ्रमित व्यक्ति होता है तो वो जड़ पक्ष के ऊपर भी एक्सेस करता है ना, वो जबरदस्ती करता है, उनके ऊपर कब्जा करता है, उनका शोषण करता है और बाकी मानवों पर भी अपने भ्रमित विचारों का और अपने जो है अपने अपने शोषणवादी विचारों के द्वारा उन पर आक्रमण और संक्रमण करता है, मतलब अपने ही गलत विचारों को दूसरों के ऊपर भी आरोपित करता है और दूसरों को भी अपने विचार में समाहित करने का प्रयास करता है। साथ ही ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक वो सामाजिक और सहस्तित्वपूर्ण
भी होता है। तो जिस तरीके से भ्रमित मानव जो है वो जबरदस्ती करता है, उसी उन्हीं वही चैतन्य इकाई जो है वो ज्ञान विवेक और विज्ञान पूर्वक सामाजिकता और सहस्तित्व पूर्णता को भी प्रमाणित करती है। सामाजिकता की स्थापना आक्रमण तथा बल प्रयोग से संभव नहीं है। ये वाली बात बहुत आवश्यक है समझने के लिए कि हम जबरदस्ती किसी को समझा नहीं सकते, जबरदस्ती किसी कोई सामाजिकता को ला नहीं सकते, अपितु जागृति के लिए अपेक्षित उच्च अथवा गुणात्मक संस्कारों द्वारा ही यह संभव एवं सुलभ है। ना तो जब जागृति के लिए जो एक्सपेक्टेड जो हाई उच्च मतलब है ना श्रेष्ठ संस्कार हैं, उन्हीं के द्वारा ये संभव भी है और ये फिर सुलभ भी है। स्वभाव से ही सामाजिकता का मूल्यांकन होता है। स्वभाव मतलब मौलिकता है ना, इसे ही सामाजिकता का मूल्यांकन होता है कि लोग मौलिक अपने जो मानव स्वरूप में रह रहे हैं, मानव की जो मौलिकता है उसको प्रमाणित करते हैं तो उसका सामाजिकता का मूल्यांकन होता है। उसी यानी उसी स्वभाव के आधार पर ही यानी मौलिकता के आधार पर उसी के लिए उसी को सुसंस्कारों से संपन्न करने के लिए ही अध्ययन है। तो मौलिकता से सामाजिकता है और फिर सामाजिकता ही संस्कारों के लिए मतलब स्रोत बनती है। मानवीयता तथा अति मानवीयता से संपन्न प्रत्येक मानव इकाई के स्वभाव को अविच्छिन्न बनाने योग्य वातावरण का निर्माण करना शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्योपांत कार्यक्रम है, यही आप्तों की आकांक्षा है। तो मानवीयता और अति मानवीयता से संपन्न प्रत्येक मानव इकाई के स्वभाव को अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मतलब उसका उससे अलग ना किया जा सके, उसका उससे वो टूटे नहीं, ऐसे वातावरण को निर्माण करना शिक्षा और व्यवस्था का आद्योपांत मतलब शुरू से आखिर तक का कार्यक्रम है और यही आप्तों यानी कि जो अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं, अनुभव संपन्न जीवन है, उनकी यही आकांक्षा है, यही उनका आशीर्वाद है, यही वो शुभकामना को व्यक्त करते हैं। अनुभूति ही आपतत्व है ना, तो यानी ब्रह्मानुभूति ही वो अधिकार बनता है आप्त होना। आप्त मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रेष्ठता के अंदर मानव स्थित हो जाता है ना, तो उस वो अनुभूति ही आप तत्व है। अनुभूति केवल सहस्तित्व रूपी परम सत्य में है। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि अनुभूति का स्थली और कोई नहीं है, है ना, अनुभूति केवल सहस्तित्व सत्ता में संप्रयुक्त प्रकृति रूपी परम सत्य में है। मतलब परम सत्य का मतलब यही सत्य का मूल स्वरूप है और कोई सत्य का स्वरूप नहीं है, ये भी एक बात इसके अंदर कही जा रही है। वह क्षमता योग्यता एवं पात्रता पर निर्भर है ना, तो अनुभूति जो है वो किस पर निर्भर है, जीवन की क्षमता योग्यता एवं पात्रता पर निर्भर है। तो इस बात को बारंबार हम ये ध्यान दिलाया गया है कि अनुभूति तभी हो रही है जब उसके योग्य उसके उसकी क्षमता योग्यता और पात्रता जो है वो अर्जित हो जा रही है। वह जागृति पर है ना, क्षमता योग्यता पात्रता किस पर निर्भर है, जागृति पर निर्भर है। जागृति इच्छाओं पर, इच्छाएं संस्कारों पर, संस्कार वातावरण अध्ययन और संस्कारों पर यानी पूर्व संस्कारों पर, और वातावरण अध्ययन और पूर्व संस्कार अनुभूति सहज परंपरा पर आधारित होना पाया जाता है ना। तो वातावरण अध्ययन और संस्कार कैसे मिलेगा, अनुभूति अनुभूति की परंपरा अनुभव सहज परंपरा पर आधारित होना। तो जब वो परंपरा के रूप में स्थापित हो जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो मिलने के रूप में उपलब्ध होता रहता है। अनुभूति वर्ग मत संप्रदाय पक्ष भाषा की सीमाओं से बाधित नहीं है। ये एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि जो भी मानव ने
वर्ग बनाए हैं, जैसे चाहे वो स्त्री और पुरुष के रूप में हो, अमीर और गरीब के रूप में हो, है ना, मतों के रूप में हो, है ना, अलग अलग विचारों की मान्यताओं के रूप में हो, संप्रदायों के रूप में हो, पक्ष के रूप में हो, है ना, या भाषा की सीमाओं से, तो अनुभूति का कोई उसकी सीमा में नहीं आता है। तो अनुभूति सहस्त्र तो रूपी परम सत्य में ही है, अनुभूति भाषा से आगे की चीज है, सभी वर्ग मत संप्रदायों से आगे की चीज है। हम ये देख ही चुके हैं चित्रण से आगे जो है वो मौलिकता और ज्ञान का ही स्थली है, तो उसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं होती। उसी अर्थ में मानव जाति को सही में एक होने का स्थली जो है वो समझ और अनुभव के रूप में ही पहचाना गया है। अनुभूति योग्य अर्हता को उत्पन्न कर देना ही सुसंस्कार है, है ना? तो सुसंस्कार क्या है? ताकि अनुभूति योग्य की अर्हता उत्पन्न हो जाए, है ना? बिना अर्हता के कोई चीज प्रमाणित नहीं होती। बारंबार ये वाली बात आ रही है कि क्षमता योग्यता पात्रता, है ना, बिना उसके अर्जित हुए कोई चीज प्रमाणित नहीं होती। तो अर्हता, अनुभूति के योग्य अर्हता को उत्पन्न कर देना ही सुसंस्कार है। ब्रह्मानुभूति योग्य अर्हता पर्यंत, तब जब तक अनुभव के योग्य अर्हता, जब तक अर्हता मतलब क्षमता योग्यता पात्रता नहीं हो जाती, तब तक संस्कार पूत होना यानी और संस्कारों से अर्जित होना भावी है, मतलब वो उसका होना ही होगा। नित्यम यातु शुभोदयम। बढ़िया।